सोमवार को राऊ विधानसभा के भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय नेता अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करते हुए राऊ प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का अनुरोध किया। रविवार और सोमवार को इंदौर जिले की सभी 9 विधानसभाओं में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा अपने मुख्य निर्वाचन कार्यालयों का शुभारम्भ किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता शिरकत करने पहुंच रहे हैं। सोमवार को एबी रोड स्थित संगम पैलेस गार्डन में राऊ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारी तादाद में राऊ विधानसभा के कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यालय का उद्घाटन करने भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता अनुराग ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भरसक प्रयास किया। जो बड़े बड़े पदों पर रहकर नहीं करवा पाए, आप संघ की चिंता छोड़ दीजिए। आपकी हर राज्य में हमने दुकान बंद की है, हमने मध्य प्रदेश में परमानेंटली बंद करने वाले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना कैबिनेट पद छोड़ा, सत्ता को छोड़ा, और ये कहा कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रह सकते। अपना बलिदान दे दिया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने रेड लाइन से चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। नारी शक्ति हमेशा मतलब पुरुषों के साथ रहती है और वो स्पष्ट कमल का फूल खिलाएंगे। वो बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और बहुत अच्छे स्पष्ट बहुमत से आएंगे, और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसे बहुत अच्छा करारा जवाब देंगे कि उसका भ्रष्टाचार, उसका आतंक मिटाएंगे इस क्षेत्र से, और बहुत अच्छे भारी मतों से विजय करेंगे। वो हर कसौटी पे खड़े उतरे हैं। उन्होंने आज तक उनको जो भी काम दिया गया है उन्होंने बिल्कुल एक ज़मीन छोड़ी नहीं है। वो बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है, और मैं जानती हूँ कि जहाँ तक राऊ विधानसभा है वो पूरे खड़े उतरेंगे पार्टी के। अच्छा बना हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि जितने अधिक वोटों से जीते हम उनके साथ में हैं, और कम से कम उनका 40 साल का अनुभव है, हम चाहते हैं वो ऐतिहासिक वोटों से जीते। उनका व्यक्तिगत सबसे संबंध है, हमने हर घर में हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनकी जान पहचान। हम जब भी जनसंपर्क में जाते हैं तो ये कहते हैं आप लोग आए क्यों, हमारे तो मधुबिया से 40-45 साल से संबंध है, इसलिए आप बेफिक्र रहो हमारे जल से, लेकिन फिर भी हमको जानना है। नहीं तो जाते हैं ना, वो हम लोगों के साथ भी रहते हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में पूरा दौरा कर रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं। महिलाओं में बहुत उत्साह है और उनके लोकप्रिय नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित ही उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ है और सभी दिल से लगे हुए काम में, किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है, मतलब सब अपने मन से। कहना चाहती हैं कि चुनाव किसी प्रत्याशी का नहीं, पूरे परिवार का, पूरी परिवार का है, और मतलब मेन तो प्रत्याशी की छवि जो है वो इतनी अच्छी है कि हर कोई अपना टाइम दे रहा है यहाँ पे। उद्घाटन के मौके पर राऊ के पूर्व विधायक जीतू जिराती ने रेड लाइन संपादक प्रियंका पांडे से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा की ओर से उन्हें राऊ विधानसभा के चुनाव संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसका वो पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे और भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा को अधिक से अधिक मतों से जिताने का पूरा प्रयास भी करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के कई युवा साथी भी उनके साथ में हैं, जो लगातार क्षेत्र की जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव में हमारा रथ पहुंचा है राऊ विधानसभा में। आपको बता दें कि राऊ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं मधु वर्मा जी, और श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती हमारे बीच मौजूद है, एक सारथी की उनकी भूमिका और संचालक सौंपा गया है, उनसे चर्चा करते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण थे और लड़ने वाले अर्जुन थे, यहाँ लड़ने वाले मधु वर्मा है और लड़ाने वाले कृष्ण? नहीं नहीं, मैं कोई लड़ाने वाला नहीं हूँ, मैं तो मधु वर्मा जी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बेटा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज चुनाव के संचालक के रूप में मुझे पार्टी ने घोषित किया है, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और चूँकि मधु वर्मा जी एक ऐसा सशक्त नाम है, एक ऐसा सशक्त हस्ताक्षर इस इंदौर शहर के विकास के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेतृत्व के रूप में है, कि सबसे ज़्यादा सरलता माननीय मधु वर्मा जी के नाम से हमको मतदाताओं के बीच में मिलेगी। प्रचंड बहुमत की जीत
हम लोग इस राव विधानसभा से इस बार लेने वाले हैं। कांग्रेस ने जहां पर भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के विधायक ने विगत 5 वर्षों में जो अकर्मण्यता जो निष्क्रियता उनकी रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, इस बार राव विधानसभा का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय मधु वर्मा जी की भूमिका के रूप में रहेगा। जीतू भाई, ये कोई एक दिन का महज चुनाव नहीं है, 5 साल आप लोगों के बीच में रहते हैं, घरों में उठना बैठना है, लोगों की समस्या से आप 5 वर्ष रूबरू होते हैं, क्या कहता है राहू का मिजाज, क्या कहती है वहाँ की जनता? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये महज एक दिन या 10 दिन का चुनाव नहीं है, 5 साल का मामला होता है। इसी बात के लिए तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सिर्फ 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं, 40 साल से मेरे मधु वर्मा ने लोगों के घरों तक पहुँच करके सेवाएं की हैं, उनका समर्पण है, उनका त्याग है और भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान नेता के रूप में उन्होंने अपनी एक प्रतिमा बनाई है, निश्चित रूप से वो पूजनीय है। और मतदाता इस बात को लेकर के बैठा हुआ था कि कैसे मधु वर्मा जी पार्टी के प्रत्याशी बने और हम आतुर हैं उनको वोट करने के लिए। हजारों बहुमत से माननीय मधु वर्मा जी की अपनी एक व्यक्तिगत छवि है, भारतीय जनता पार्टी तो उनके साथ बोनस में है, लेकिन मधु वर्मा जी की जो निश्चल छवि है, जो निष्कलंक निष्पाप उनका जो निष्कर्म जो उनका जो कर्म के साथ में उन्होंने जनता के साथ में किया है, निश्चित रूप से सबसे बेहतर प्रत्याशी अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी का। युवाओं में जोरदार उत्साह आपके विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि जिस दिन नामांकन भरा गया या अभी चुनाव प्रचार की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रसार हमको देखने को मिल रहा है, क्या है इसके पीछे का राज? देखिए, इसके पीछे राज ये है कि मधु वर्मा जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा जा रहा है और जीतू जिराती अगर उनके साथ में खड़े हुए हैं, तो जीतू जिराती के सभी नौजवान मित्र हैं और वो सारे जो है मेरे छोटे भाई हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं जब मैंने काम किया था तो सारे नौजवानों को गले लगा करके मैंने काम किया था, तो मेरे कार्यकर्ता और मेरे समर्थक के रूप में वो नौजवान हो गए और मैं मधु वर्मा जी का समर्थक और उनका कार्यकर्ता, तो सारा नौजवान डायरेक्ट पिता के रूप में माननीय मधु वर्मा जी को देख करके उस भाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा। तो ये प्रचंड बहुमत की मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, निश्चित रूप से प्रचंडता आपको आने वाली 11 तारीख को दिखाई देगी। मैं एक अंतिम प्रश्न ये है कि मूल समस्या राव विधानसभा की क्या है, चूंकि खासकर जितने भी देखा जाए तो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, राव ग्रामीण की बात की जाए तो नगर पालिका के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, तो मुख्य तौर पर काम बहुत से हुए हैं, ऐसे कौन से जमीनी मुद्दे हैं जो प्रचार के दौरान या आपके सामने ज्यादातर सामने आए कि जहां निष्फल साबित हुए जीतू पटवारी? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर पालिका हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, समस्या कभी भी संपूर्ण नहीं होती, समस्या कभी खत्म नहीं होती, समय समय पर किसी न किसी तरह की अव्यवस्थाएं समस्याएं खड़ी हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने अपनी जान से अपनी आत्मा के साथ में काम करके सभी जनता की समस्या को हल करने का काम किया है। ये सवाल तो जनता कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी से पूछेगी कि आपने 5 साल में क्या समस्या का समाधान किया। समस्या खड़ी करने का काम अगर किसी ने किया तो विधायक ने किया है, समाधान बेचारे मेरे छोटे छोटे पार्षदों ने, तो हमारे सरपंचों ने और अन्यत्र जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुन करके भेजे थे उन लोगों ने समाधान का काम किया। इस विधानसभा में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो कांग्रेस है और जीतू पटवारी है। तो महाभारत के रण के समान राव में भी खिलेगा कमल और विजय श्री को प्राप्त होंगे मधु वर्मा, कुछ ऐसा ही कहना है प्रदेश के उपाध्यक्ष जीतू जिराती का। कैमरा पर्सन टोनी के साथ मैं प्रियंका पांडे, रेड 9।